दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2022 का आधा सीजन यहां पर खत्म हो चुका है और टीमों ने आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माही सेना चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, क्योंकि आईपीएल 2022 चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों ही टीमों के लिए काफी खराब चल रहा है। मुंबई इंडियंस की टीम ऑलरेडी आईपीएल 2022 के प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी है और भैया पर की टीम भी फिलहाल डू एंड डाई कंडीशन में थी। लेकिन दोस्तों जैसे यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के खिलाफ सीएसके टीम को हार मिली, उसके बाद भाई ऐसी खबरें हैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ्स की रेस से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो गई है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी भी एक ऐसा तरीका बचा है जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं और इस वीडियो में हम उस पूरे तरीके को पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम आपका समय यहाँ पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम अपने टॉपिक पर आते। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए महामुकाबले में आरसीबी की टीम ने सीएसके को हराया, उसके बाद यहाँ पर आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स के लिए टीम चेन्नई सुपर किंग्स का जो सफर था वो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल बन चुका है। जी हाँ, इस महामुकाबले के दौरान सीएसके की टीम डू एंड डाई सिचुएशन में थी, यानी भाई एक मैच हार गई तो प्लेऑफ्स की रेस से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो जाएगी। और भाई इस महामुकाबले के बाद जो आईपीएल 2022 की पॉइंट्स टेबल है, उस पॉइंट्स टेबल को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी तक कुल 10 महामुकाबले खेले हैं, केवल 3 मैचों में इस टीम को जीत मिली है, 7 महामुकाबलों में इस टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों अभी भी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक तरीके के जरिए आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। हालांकि आप सभी लोगों को बताने चाहूंगा कि आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में सेफली क्वालिफाई करने के लिए टीम के पास 16 पॉइंट्स होने जरूरी है। लेकिन दोस्तों अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम किसी भी हालत में पॉइंट्स टेबल पर खुद के पास 16 पॉइंट्स नहीं कर सकती है। लेकिन हम बात करते उस तरीके के बारे में, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा यदि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने बचे हुए चारों महामुकाबलों में वन साइडेड अच्छे नेट रन रेट को इंक्रीज करते हुए जीत दर्ज कर लेती है और बाकी टीमों का यहां पर सिनेरियो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, उनको यहां पर हार मिल जाती है, और ऐसे में यहां पर अगर 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफिकेशन सिनेरियो बन जाता है तो केवल रन रेट के मामले से यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी भी आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों इसके चांसेस यहां पर काफी कम है। सीएसके की हार के साथ मुंबई इंडियंस की टीम ऑलरेडी आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स के यहां पर क्वालिफाई करने के जो चांसेस है वो यहां पर केवल 5-10% है। यानी भाई अब सीएसके के लिए आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स का सफर यहां पर लगभग पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर केवल उपचार बाकी आईपीएल 2022 की समाप्ति में कि सीएसके की टीम बाकी मैचों को कैसे खेलती है। लेकिन दोस्तों अब की बार यहां पर सीएसके टीम का जो सफर है वो यहां पर लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपके मुताबिक सीएसके और मुंबई इंडियंस को क्वालिफाई करना चाहिए था या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।